because it's all because of your efforts and hard work. And this includes pollution in the air we breathe, carcinogens in the food we eat, and increased computer screen time, and so on. Doctor, I came in also. हमारे क्षेत्र की महिला चिकित्सक अधिकारी जो भी यहाँ पे कार्यरत हैं और प्राइवेट में और सरकारी क्षेत्र में, वो सभी यहाँ पे आए हैं। आप सभी का यहाँ पे स्वागत। बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्रेंस मेहताज ने ऑर्गेनाइज की है, मेरे फ्रेंड डॉक्टर आर के मेहता एंड मिसेस मनीषा मेहता, जो कि सिरसा क्षेत्र में सबसे पहले आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को लेके आए और ग्रेजुअली हमारे साथ उनका यहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का परिवार बढ़ता गया और 8-10 गायनेकोलॉजिस्ट अभी सिरसा में कार्यरत हैं जो कि इनफर्टिलिटी की अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वैसे तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए लोग आज से 20 साल पहले, उनका कुछ और ही एक सिस्टम होता था कि कभी कोई बाबा जी के पास जाते थे, कभी मंदिरों में जाते थे, और ये बहुत ही एक स्पेसिफिक फील्ड है जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है और अब लोगों का इसके ऊपर विश्वास बढ़ा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो इस पे इसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और बहुत सारे परिवार फैमिलीज के लिए हमारे स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और विद स्माइल दे कम बैक। इट इज हैप्पी टू सी कि इवन 50 साल से ऊपर की महिलाएं भी गर्भ धारण कर रही हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस सोसाइटी एंड कीप ऑन वर्किंग, जो लोगों को उनके चेहरे पे स्माइल लेके आ रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू चूग, प्रेसिडेंट हरियाणा चैप्टर ऑफ हिसार, आज आपके सामने सिरसा में खड़ी हूँ और सबसे पहले सिरसा के निवासियों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपके शहर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस सेमिनार डॉक्टर्स के लिए अरेंज किया गया है, जिसमें के बांझपन के इलाज के बारे में बहुत गहराई से डिस्कस किया गया है और इसमें पूरे हरियाणा, दिल्ली, नोएडा से बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आए हैं, चंडीगढ़ से भी आए हैं और बॉम्बे से हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने सब डॉक्टर्स को नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवगत कराया है, जिससे कि सभी डॉक्टर्स अपने अपने शहरों में जाके अपने पेशेंट्स का इलाज न्यू टेक्नोलॉजी से करेंगे और अल्टीमेटली पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा उनके ट्रीटमेंट में। मैं ये कहना चाहूँगी कि बांझपन एक समस्या है, इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। आज की थीम है कि ग्रीन, ग्रीन मींस एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट अच्छी रखो तो इनफर्टिलिटी 50% बिना दवाई के हम ठीक कर सकते। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि प्रसव की पीड़ा या लेबर पेन्स जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ घंटों के लिए या दिन के लिए ही रहती है, लेकिन जिसके पास बच्चा नहीं है वो कितना दुख सहती है वो कोई घंटे, दिनों की या सालों की बात नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उन पेशेंट्स के लिए जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट हर एक गायनेक कर सके, ये नहीं कि उसको सिर्फ IVF सेंटर पे ही जाना पड़े, इसके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि हर गायनेकोलॉजिस्ट एक बेसिक वर्कअप अपने खुद के सेंटर में ही कर सके। डॉक्टर राखी मल्होत्रा, मैं हरियाणा चैप्टर ऑफ हिसार की सेक्रेटरी हूँ।
आज यहाँ से पूरे हरियाणा से डॉक्टर्स आए हुए हैं, सब सिटी से डॉक्टर्स आए हुए हैं और कुछ हरियाणा से बाहर से भी आए हुए हैं। पुणे से हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं और मेरठ से आए हुए हैं, सो दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली NCR से आए हुए हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और लोगों को अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या नए नए ट्रीटमेंट इलाज हो चुके हैं। आजकल हर संभव है, पहले मेल्स के लिए भी ट्रीटमेंट बहुत आ गया है, जो कहते थे कि अगर मेल्स में शुक्राणु नहीं है तो बच्चा नहीं हो सकता है, अब वो भी पॉसिबल है। ये लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है इसमें। हाय एवरीवन, एंड टुडे वी आर ऑल गैदर्ड हियर फॉर आवर एनुअल मीटिंग ऑफ हरियाणा ISAR चैप्टर, एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली फॉर इनफर्टाइल कपल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। टुडे वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग द बेसिक वर्कअप टू एडवांसमेंट at every level. We had discussion, very nice discussions, and the delegates coming from all over Haryana as well as Punjab and even UP and Mumbai also and Delhi. So we are very excited and it's a very nice conference. Lot to learn. इसमें इनफर्टिलिटी में जो नई तकनीकें आई हैं उनके बारे में बड़े विस्तार से पुणे से आए हुए डॉक्टर आशीष काले, दिल्ली से आए हुए डॉक्टर शिवानी, बहादुरगढ़ से डॉक्टर ज्योति मलिक, बहुत सारे लोग जो फैकल्टी हमारे यहाँ आए हुए थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर दिए हैं, जिसका हमारे एरिया के जो यहाँ पे आए हुए डेलीगेट्स हैं उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें बहुत भारी संख्या में कोविड के बाद, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये प्रोग्राम हुआ, तो बहुत उत्साहवर्धक इसका ये प्रोग्राम रहा। बहुत भारी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत किया है, तो मैं लोगों का, आए हुए जितने भी डॉक्टर साहिबान का, बहुत तहे दिल से आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जब जब ये ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम होंगे लोग ज्वाइन करते रहेंगे। और आप मीडिया वाले लोगों ने तो हमारे ना ऐसे जैसे फैमिली की तरह हमें ज्वाइन किया, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा।